Yeah.
Pandit. Or Nimai Pandit. So today is a birthday. So when he Krishna, he took bath in a Braj, in a Gopur, then all Brajvas is coming. And they are doing very nice kirtan, you know. So today also, Nimai, meaning Krishna, you know, Krishna is the Nimai. So today I can sing him one song. Jiyo Syam Lala, Jiyo झुलाते हैं उस समय क्या शब्द करता है बोले चर मर prepares and he made. But a kiri jalebi I'm not afraid of the dark.
पुस्तक खत्म हो गया तुम्हारे हरे कृष्ण ओम ज्ञानिकविरामिधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयुश्च कथितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः वदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणामामि हरि तब नाम क्या प्रणाम क्या दयानिधि पत्नी का नाम चंद्रिका चंद्रकला चंद्रिका चंद्रिका राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ छय गोसाई करी चरण बंदन जाहा है ते विघ्न नाश अभीष्ट बुर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्यलीला ब्रह्मिष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला ब्रह्मिष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, आज हम लोगों का बहुत बहुत अच्छा दिन है। श्री दयानिधि प्रभु जी और श्री चंद्रिका दीदी और श्री निमाई पंडित आज इन्होंने अपना बच्चे की बर्थडे में है उन्होंने सब भक्तों को अपने घर में बुलाया और घर में अपना भगवान का कीर्तन करवाया है। इसलिए ये हमारे भारतीय संस्कृति में है। हमारे भारतीय संस्कृति नहीं केक काटना और डिस्को डांस करना, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति है हर कामों में भक्तों को बुला करके बैठो और भगवान का कीर्तन करो, भगवान की कीर्तन करो। क्योंकि बोले जो भगवान का जो कीर्तन है कहते मंगल भवन अमंगल हर। कोई भी काम करो अगर प्रभु का नाम से प्रभु की कीर्तन से प्रभु की भजन से करो ना, सब काम बढ़िया बढ़िया हो जाता है। हैं, जितना अमंगल है वो बच्चे का सारे अमंगल दूर हो जाता है। हाँ देखो ध्यान दे, सुनो। एक संत कह रहे थे
लेकिन साधारण लोग क्या करते हैं, हैप्पी बर्थडे में जन्मतिथि में सब अपने यार दोस्त को बुलाएंगे, बुला कर क्या करेंगे, शराब पिएंगे और मांस खाएंगे और उल्टा सुधा हाँ डिस्को डांस में हैं म्यूजिक लगा करके गंदी गंदी डिस्को डांस को नृत्य करेंगे। लेकिन ये संतों का कहना है, जिस बच्चे का उद्देश्य में आपने इतने शराब पिलवाया और इतने जीव हिंसा किया, मांस खाए मतलब जीव का हत्या कर डाले, जिस उद्देश्य में कहते हो बच्चे का कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। जिस बच्चे को उद्देश्य में कर रहे हो वो बच्चे का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। अगर उसको 50 साल एज होगा ना, वो झट झट नीचे उतर करके फिर 100 साल अगर उम्र होगा उसका झट 50 साल में आ जाएगा। क्योंकि जिस बच्चे के उद्देश्य करके तुमने इतने मांस खिलवाया और इतने जीव हिंसा करवा दिया, इतने बोतल तोड़वा दिया, इतने बोतल तुमने तोड़वा दिया, इसलिए वो बच्चे का कभी कल्याण हो ही नहीं सकता है। हाँ, बच्चे का कल्याण तभी होगा जब हम भगवान की कीर्तन करें, भगवान की भजन करें, भक्तों को बुला के अपना घर में, अभी इस नाच रहे थे ना जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, आनंद आ रहा था कि नहीं, आनंद आ रहा था कि नहीं, आ रहा था ना। हाँ देखो, भक्ति में जो आनंद है ना, और किसी भले ही तुम डिस्को डांस लगा करके गंदी गंदी म्यूजिक ऊपर नाचो, वो आनंद नहीं आता है जितने प्रभु की भजन में आनंद आता है, जितने प्रभु की कीर्तन में आनंद आता है वो आनंद, और किसी चीज में वो आनंद है ही नहीं है। इसलिए महाप्रभु बोले प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वाद, भक्ति में हर समय एक एक नई 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 उसमें एक नई नई आनंद आता है प्रभु का कीर्तन में भजन में। इसलिए आज श्री निमाई निमाई जी, इसलिए निमाई जी की आज जन्मतिथि के उपलक्ष्य में श्री दयानिधि प्रभु चंद्रिका दीदी क्या क्या बोले, भक्तों को बुलाओ, घर में कीर्तन हो और घर में भगवान का नाम हो, सत्संग हो, हैं। इसलिए सब लोग भी ऐसे करने चाहिए, अपना जन्मतिथि में उल्टा पुल्टा लोगों को नहीं बुला करके, जो शराब पीने वाले मांस खाने वाले उनको नहीं बुला करके घर में भक्त लोगों को बुलाओ। देखो जब कृष्णा 4 महीना के हो गए, देखना बच्चा 4 महीना में ना करके करवट लेता है, करवट समझती हो, ये अपना पास को फेराती है, इधर इधर आ जाओ, ये इधर आ राग लेगा, तुम समझ रहे कि नहीं, इसलिए कृष्णा कृष्णा जब 4 महीना की हो गए, क्योंकि कृष्ण राजा की बेटा है, वो साधारण घर का बच्चा नहीं, और श्री नंद जसोदा को बड़ी कष्ट से गोपाल कृष्ण मिले, कितने तपस्या करते हुए कितने आशीष और महादेव को पूजा किए, कितने उन्होंने यज्ञ किया, कितने दान पुण्य किए, बड़े कष्ट से घर में कृष्ण जन्म हुए, बड़े कष्ट से बच्चा हो ही नहीं रहा था। इसलिए जब कृष्ण जन्म हुए, श्री नंद बाबा हैं, नंद बाबा हर समय कोई ना कोई चांस खोजते थे, कोई सुजोग लेते थे घर में कब उत्सव हो, बच्चे का कुछ भी हो जाए ना, फिर उन्हें घर में, पहले तो यही नियम था, सब घर में भक्तों को बुलाओ और हरि कीर्तन करवाओ, यही। अभी भी ब्रज में जाकर के देखो, शादी विवाह हर समय सब जितने माताएं बैठ जाएंगी अमृत में मजरा लेकर के हरि कीर्तन करते, अभी भी ब्रज में नियम है। इसलिए कृष्ण जब 4-5 महीना में हो गए, कृष्ण उन्होंने केवल अपना करवट समझते हो, बच्चा अपने आप जो पास को फेरता है, अपना पास को फेर लेता है, हैं? अभी मैया को तो बड़ा आनंद हुआ, लाला शरीर में ताकत आ गया, बच्चा कब करवट लेता है, कब लेता है, जब शरीर में ताकत आ जाती है ना, देखना बच्चा अपने आप पास को फेर लेता है, मैया को तो बड़ा खुश हुई। पर आज लाला की ये करवट लेने का उद्देश्य में आज हम ब्रजवासियों को बुलाएंगे और घर में प्रभु का कीर्तन करवाएंगे, उन्होंने अपना आंगन को साफ सुथरा कर दिया, जैसे घर को दयानिधि ने घर को जैसे साफ करके भक्त आएंगे कीर्तन होगा, इसलिए साफ सुथरा करके
जितने दूध दही मक्खन था दूर में एक बैलगाड़ी को ऊपर में रख दिए और कृष्ण को स्नान करवाया। देखना बच्चे को, पहले नियम ये होता था हल्दी और तेल से सभी को रगड़ रगड़ करके उसको क्या करते थे, उसको रगड़ मालिश करते थे और धूप में सुखाया करते थे। बोले क्यों? बोले बड़े होने पर उसका हड्डी में ताकत आए, उसका हड्डी में ताकत आए। अब लोग करते हो नहीं? अभी तो सार हो गया ना, पहले गांव में हैं, गांव में ऐसे हल्दी तेल को दे करके रगड़ रगड़ कर बच्चा रोएगा तब भी जोर जोर से उसको करके रगड़, क्योंकि बचपन में जितना हड्डी ताकत होगा ना, बड़ा उम्र में उसका हड्डी ऐसे ताकत बना रहेगा, इसलिए माताएं रगड़ रगड़ करके उसको करती थी। अभी उन्होंने मैया यशोदा ने कृष्ण को उन्होंने अच्छे तरह से उनको हैं ये करके उन्होंने कृष्ण को स्नान करवाया। देखना बच्चे को स्नान करा देना फिर बच्चे को नींद आती है, बच्चे को नींद आती है, इसलिए उन्होंने क्या किया, बच्चे को बैलगाड़ी को नीचे लेटा दी। कृष्ण यहीं पर सोते रहे, क्यों? अभी सब ब्रज की गोपियां आएगी, घर में कीर्तन होएगा, घर में सबके सब घर में कीर्तन होगा, किसको क्या लेना क्या देना है, भक्त लोगों को खाना खिलाना, घर का बहुत काम बढ़ जाती है। इसलिए बच्चा अगर रोएगा, अभी मैं बच्चे को संभालू ना, मैं संभालू परिवार को संभालू लोगों को संभालू, इसलिए कृष्ण को लेटा दिया बैलगाड़ी को नीचे और जितने ब्रजवासी थे ना सबके सब बैठ गए। बैठ करके गोपियां और ढोलकी और बजरा लेकर के बड़े सुंदर कीर्तन गा रहे थे। बोले लाला जन्म सुनी आई रे मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई रे मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई रे मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई रे दो बधाई, लेटा दिया था बैलगाड़ी को नीचे दूर में। इतने में कृष्ण का नींद खुल गई। बोले नींद क्यों खुल गई? कारण क्या, नींद क्यों खुल गई? इसलिए नींद खुल गई, नारद जी जब भगवान से प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु आप कहाँ रहते हो? भगवान खुद कहते हैं ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठा नारद। बोले नारद दुनिया कहता है मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। दुनिया कहते हैं मैं योगियों का हृदय में रहता हूँ, मैं योगियों का हृदय में नहीं रहता हूँ। बोले फिर रहते हो कहाँ पर? बोले एक जगह में रहता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त मेरे कीर्तन करते हैं, जहाँ पर मेरे भक्त मेरे कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, कथा करते हैं, मैं वहीं पर रहता हूँ, मैं कहीं नहीं रहता हूँ। इसलिए अभी
कृष्णा सो रहे कहां पर बैलगाड़ी के नीचे और यहां हो रही है कृष्ण का कीर्तन कीर्तन। अभी कृष्ण ने देखा भैया मेरे लिए उत्सव हो रही है, ये उत्सव मेरे लिए और मेरा ही कीर्तन मेरा ही सब कुछ मेरे लिए और वैकुंठ से इसलिए मैं उतर करके आया हूँ गोलोक वृंदावन से यही आनंद लेने के लिए आया हूँ और देखो मेरे को आनंद से किसी वंचित कर दिया। अभी कृष्ण का नींद खुल गई, अभी कृष्ण अपना भजन में आना चाहते हैं, अपना कीर्तन भजन में आना चाहते हैं। लेकिन कृष्ण का उम्र कितना अभी बताओ कितना उम्र है, अरे बोलो कितने उम्र है कितने बोलो, चार महीने है कृष्ण। अभी कृष्ण को घुटन पर भी चलना नहीं आता है, आज जीवन में पहला बार कृष्ण ने अपना करवट लिया है, कृष्ण ने अपना करवट जीवन में पहला बार उनके पास फिराया और कृष्ण आएंगे कैसे। अभी बच्चों का बल क्या, बल रोदन रोदन बालानम रोदनम बल, बच्चों का बल है रोना, अगर बच्चे रोए ना जोर जोर से फिर मैया क्या करेगी, फिर बच्चे को उठाकर गोद में ले लेती है। अभी कृष्ण ने सोचा अगर मैं जोर जोर से रोऊ ना, अगर मैया की कान में पड़ जाए ना रोनी की आवाज, फिर मैया मेरे को गोद में उठाकर ले जाएगी, फिर अपना कीर्तन में हमें लेकर के लेटा दी, मैं भी अपना कीर्तन सुनूंगा, मैं भी अपना कीर्तन सुनूंगा, अपना भजन सुनूंगा। देखो भगवान का कीर्तन में इतने रस है, भगवान की कथा में इतने रस है, भगवान भी स्वयं अपना कीर्तन का आनंद कृष्ण भी लेना चाहते, कृष्ण भी लेना चाहते अपना भजन का आनंद, इतने भगवान के कीर्तन में रस है, इतने आनंद। अभी कृष्ण है अभी आना चाह रहे हैं कृष्ण, लेकिन कृष्ण आ नहीं पा रहे। कृष्ण जो जोर जोर से रोए, इतनी जोर जोर से रोए, लेकिन मैया तो कितने सारे लोग घर में आए हुए, किसको क्या देना क्या लेने में लगी हुई। अभी मैया को कानों में कृष्ण का रोने का आवाज ही नहीं पड़ा, कृष्ण सोचा कब तो रो, इतना तो रो लिया। कृष्ण सोच रहे भैया इतना तो रो लिया, कब तक रो लो, इतना तो रो लिया, अभी भी मैया मेरे को ला ही नहीं रही है अभी मैया। इसलिए कृष्ण की जो इच्छा शक्ति योग माया ने कंस को प्रेरणा किया और कंस ने क्या किया, सकटासुर भेज दिया है। ये सकटासुर कौन है, बोले पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच था, देखने में बड़ी मोटे छोटे लंबे चौड़े थे। एक दिन उसने क्या किया, लोमहर से ऋषि के आश्रम में है, लोमहर से ऋषि के आश्रम में गए और जा करके उनको सारे बगीचा को ना तसनस कर दिया, सारे बगीचा को। लोमहर से ऋषि को बड़ा क्रोध आया, बोले दुष्ट इसलिए तू इतने मोटे छोटे बने हो, संतों का ठाकुर जी की बगीचा को तोड़ने के लिए, उजाड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए, बोले जा तेरा ये शरीर ही नहीं रहेगा। जो बोले ना सतमुच से देखते देखते उसका शरीर गायब होना शुरू हो गया, एकदम धीरे 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 शरीर नष्ट होना शुरू हो गया। सुनता ये क्या हो रहा है, मेरे शरीर ही कहाँ खो रहा है, मेरे शरीर गायब कहाँ से हो रहा है, फिर तो जो नशा था ना सारा नशा उतर आया। ऋषि के चरण में गिर पड़े, बोले बाबा मेरी मुक्ति कैसे मिलेगी बताओ। बोले जाओ जब कृष्ण द्वापर युग में कृष्ण रूप में आएंगे उनकी चरण स्पर्श से तुमको उद्धार होगा। इसलिए वही जो उत्कट था वही अभी ये बन गया, ये सकटासुर बन गया, कंस ने इसको भेज दिया और आ गया कृष्ण को मारने के लिए है, मारने के लिए आ गया। आ गया तो वो देख रहे हैं कृष्ण कहाँ पर है, कृष्ण कहाँ पर, पुतना को जिसने मारा हाँ तिनावर्त को मारा, कृष्ण कहाँ पर, देखते देखते देखा बैलगाड़ी को नीचे, उसका तो शरीर थी नहीं। उसने सोचा ये बैलगाड़ी के ऊपर में मैं सवार हो जा, दिखेगा ही नहीं, कृष्ण नीचे सो रहे हैं। फिर धीरे 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 दबाते दबाते ना बस ऐसे दबाऊंगा कृष्ण पिस जाएंगे। उसने धीरे 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 दबाना शुरू किया, कृष्ण ऊपर देख रहे, बोले मामा जी आ गए, कंस मामा लगते हैं ना इसलिए उनका जितने संबंध जिसे वो मामा लगते हैं, बोले मामा जी आ गए, अभी मामा जी कुछ ना कुछ करेंगे जो मैं कीर्तन में जा सकता हूँ। कृष्ण केवल चार ही महीना के, उनने जो सुंदर सुंदर कोमल कोमल जो चरण को कृष्ण ने धीरे 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 चलाना शुरू किया और चलाते चलाते उन्होंने बैलगाड़ी में ऐसे लात मारी, एकदम बैलगाड़ी पलट गई,
जितने दूध दही मक्खन सब तसनस हो गया। गोपियां बैठ करके कीर्तन कर रही थी, बोली ये क्या हो गया, कोई आंधी तूफान कुछ नहीं, ये गाड़ी पलटी तो पलटी कैसे। सारी ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, आखिर देखा बैलगाड़ी पलटी हुई, एक राक्षस मरा पड़ा हुआ, जितने दूध दही सबके सब तसनस हो गया सबके सब। फिर मैया ने, फिर इतने में छोटे छोटे बच्चे थे उन लोगों ने देखा था, बच्चों ने कहा मैया मैया हम बताएंगे कैसे पलटी गई। बोले कैसे, बोले कृष्ण के चरण के ठोकर से। मैया बोले लगता है भांग की गोला लगा खा ली, अरे मेरे बच्चा अभी 4 महीना की और प्यार लग गया तो बैलगाड़ी पलट गई, मैया को विश्वास नहीं हुई। फिर उन्होंने कृष्ण को वहां से उठा करके ले गए और जहाँ गोपियां बैठी करके कीर्तन कर रही थी, कीर्तन को बीच में कृष्ण को वहीं पर लेटा दिया, लेटा दिया। फिर ब्रजवासी लाला जन्म सुनी आई रे मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई रे मैया दे दो बधाई, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, खिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम किया है। जैसे उत्सव हो रही थी, लेकिन उत्सव में क्या किया, कृष्ण को उत्सव से अलग कर दिया। कहां लेटा दिया, बोले बैलगाड़ी को नीचे, बैलगाड़ी को नीचे। बोले सारे घर का सामान कहां रख दिया, बोले बैलगाड़ी के ऊपर में। मतलब भगवान को कर दिया छोटा गौण, और घर की जितने दूध दही ना रख दिया उसको ऊपर में, दूध दही को कर दिया ऊंचा, मतलब संसार की वस्तु को कर दिया ऊंचा, लेकिन भगवान की भक्ति को कर दिया नीचा। और भगवान को क्या किया, जो उत्सव हो रही थी वो उत्सव से भगवान को निकाल दिया। फिर भगवान ने क्या किया, ऐसे ठोकर मारे, ऐसे ठोकर मारे, जितने दूध दही को घी सब तसनस कर दिया। इसका मतलब है भगवान शिक्षा देते हैं, अगर कोई उत्सव हो रही है घर में, कोई उत्सव हो रही है, प्रभु का कोई कीर्तन हो रही है, घर में कोई उत्सव हो रही है, क्या करो, भगवान को वहां से अलग मत किया करो, भगवान को वहां से अलग मत करो, भगवान को उसका अंदर में रखो। मतलब जो कुछ करो भगवान के कीर्तन से भजन से करो, फिर तो भगवान कहते हैं, फिर तो उसमें फलते फूलते रहोगे। अगर मेरे को उत्सव हुआ, भगवान का कीर्तन नहीं, भजन नहीं, भगवान के भोग लगाना नहीं, जितने उल्टा पुल्टा लोगों को बुला करके
शराब पिला करके मांस खिला करके डिस्को डांस कर रहे हो, हैं डिस्को डांस कर रहे हो, भगवान कहते ऐसे ठोकर मार देना, फिर सब सत्यानाश कर दूंगा तुम्हारी घर भी, हाँ घर की तुम्हारी सत्यानाश कर दूंगा। इसलिए भगवान कहते हैं, इसलिए मतलब उत्सव, उत्सव का मतलब क्या है बोलो, उत उत मतलब होता है निकाल देना। अगर घर में कोई वो चीज हो रहे हैं जिससे भगवान को निकाल दिया, फिर क्या रह जाएगा बोले सब उत्सव, फिर रह जाएगा सब, बोले सब मतलब क्या, बोले मरा हुआ सही मतलब है, जिससे भगवान को अगर निकाल दिया ठाकुर जी को किसी काम से, फिर तो केवल वो मरा हुआ व्यक्तियों का, केवल मुर्दा लोगों का ध्यान डिस्को ध्यान से, फिर वो उत्सव नहीं, उत्सव तभी होगा जब भगवान की कीर्तन भक्तों को लेकर के घर में कीर्तन भजन पूजा पाठ हो, ठीक है ना। इसलिए घर में कोई भी तिथि हो, कोई भी ये हो, क्या करो घर में भक्तों को बुलाओ, कीर्तन करो, हरि कथा करो, खूब कीर्तन में नाचो गाओ, बस आनंद आनंद है, ठीक है। इसलिए आज श्री निमाई पंडित जी का है, निमाई प्रभु का आज जन्मतिथि है, इसलिए हमारे दयानिधि प्रभु जी, हाँ दयानिधि प्रभु जी और से चंद्रिका देवी दासी, इन लोगों ने अपना घर में भक्तों को बुलाए, घर में हरि कीर्तन, घर में भगवान की भजन करवाया, समझो आज बच्चे का कल्याण कल्याण ही है, बच्चे का है मंगल मंगल ही बच्चे का, क्योंकि वो बच्चे को उद्देश्य में ही आज भक्त लोग वहाँ एकत्रित होंगे और यहाँ हरि कीर्तन हो रहे हैं, ठीक है। बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की, बोले श्री निमाई पंडित की, निमाई प्रभु की जय। देखो कल है, कल श्री भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी का कल तिरुभाव था, इसलिए उनके विषय में थोड़ी सी कल वहाँ पर समय नहीं हो पाया, इसलिए हम बोल नहीं पाए, थोड़ी सी भारती महाराज के संबंध में थोड़ी सी हम बोल देते हैं। कहते जो भक्ति विज्ञान भारती महाराज जिनका नाम ही भक्ति विज्ञान भारती, कहते इनका बचपन का नाम क्या था, बोले नरोत्तम दास, इनका नाम ही पहले था श्री नरोत्तम दास अधिकारी इनका नाम था, इसलिए पहले कहते हैं पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी, पहले देखना पहले देखने में वो कैसे है, सबसे पहले कहते हैं दर्शनधारी मतलब जब किसी व्यक्ति को देखते हैं ना दर्शन, पहले देखते हैं देखने में कितने सुंदर, आप उनका फोटो कहीं लगा हुआ देखे होंगे, हाँ फोटो कहीं लगा हुआ देखे होंगे भारती महाराज जी का, इसलिए महाराज जी बड़े लंबे चौड़े, जैसे प्रभुपाद देखने में थे ना, प्रभुपाद जैसे देखने में थे एकदम बड़े सुंदर लंबे चौड़े सुंदर गौरवर्ण की, उसी तरह उनका जो शिष्य श्री भक्ति दैत श्री माधव गोस्वामी महाराज भी, भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज भी ऐसे ही लंबे चौड़े गौरवर्ण बड़े सुंदर थे, इसलिए कहते इनको श्री भक्ति विज्ञान भारती महाराज भी देखने में बड़े लंबे चौड़े और बड़े गौरवर्ण के एकदम पूरा गौरवरंग के गौरवर्ण के देखने पे ऐसे लगते थे जैसे कोई ये विदेशी लोग हैं, जैसे विदेशी लोग बहुत ज़्यादा सफ़ेद होते हैं ना, देखने में इनका जो रंग था ऐसे इनकी रंग था, इसलिए पहले दर्शनधारी दर्शन में ये बड़े सुंदर थे, इसलिए इनका बचपन का नाम क्या था श्री नरोत्तम दास, हैं श्री नरोत्तम दास इनका नाम ही गुरुदेव ने नाम रखा श्री नरोत्तम, नरोत्तम मतलब क्या बोले नर में जो उत्तम है, नर में जो सर्वश्रेष्ठ है, और जो नरोत्तम दास ठाकुर महाप्रभु का जो परिकर थे इतने परिकर में इतने बलवान, और ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जी थे पूरा मणिपुर मणिपुर को उन्होंने उद्धार किया है, हैं इसलिए कहते भक्ति जगत में सबसे जो पहला चीज है, हैं पहली जो चीज है कहते उसमें होनी चाहिए सहन शक्ति भक्ति जगत में, इसलिए भगवान श्री कपिल देव अपना मार्ग जो कहते हैं बोले माँ ये मन को भगवान के भजन में लगाना तभी ये मन को शांति मिलेगी, भगवान की कथा सुनना, मैया कहती है बेटा तू तो बताया भक्तों का संग करो लेकिन भक्तों का कुछ गुण भी तो होनी चाहिए ना, उसका गुण बताओ, बोले माँ भक्तों का जो पहला गुण है सहन शक्ति, ये भक्ति का इसलिए तितिक्षव मतलब होता है जीवन में जितने बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी जो कभी भी उसमें अस्थिर नहीं होता, चंचलता नहीं होता,
इसलिए बंगला में एक कहावत है, जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो ना सहे। समझ रहे हो? जो सहे सो रहे, मतलब जो सहन करता है वही रहता है, अब जो ना सहे, जो सहन नहीं कर सकता है वो ना सहे, मतलब संपूर्ण नष्ट हो जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जब अंतर ध्यान होने से पहले सब भक्तों को उन्होंने बुलाया, हाँ बुला करके उन्होंने उनको एक उपदेश, अंतिम उपदेश था, तो देखो बच्चों भजन करने के लिए जाओगे तो सत्य लांछना, सत्य गंजना, सत्य अपमान सह करके भी प्रभु का भजन नहीं छोड़ना है। ये प्रभुपाद का अंतिम उपदेश प्रभुपाद देख रहे हैं। उनको पता है भक्ति जगत में हर स्टेप स्टेप में भक्ति जगत में बाधा है, यहाँ तक देवता लोग भी भजन करने के लिए जाओ ना, देवता लोग भी टांग पकड़ कर खींचना शुरू करना शुरू कर देते, देवता लोग भी पीछे बढ़ जाते। बोले साधारण है कि इंसान होकर के और भजन करके गोलोक वृंदावन चले जाएगा, गोलोक वृंदावन जाने नहीं देंगे, टांग पकड़ कर वो भी टांग पकड़ कर खींचते हैं है? इसलिए भगवान कपिलदेव अपना माँ को कहते मैया तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेना अजात सत्रव शांता साधु भी साधु विषण। संतों का लक्षण कहते हैं, पहला लक्षण है सहन शक्ति, तितिक्षव जैसे युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर सहन शक्ति में से युधिष्ठिर, युधिष्ठिर मतलब क्या, युद्ध अवस्था में भी जो स्थिर रहता है। युद्ध अवस्था में क्या होता है, मारना नहीं तो मरना, मारना नहीं तो मरना, और उसको दिमाग में कुछ नहीं रहता है। लेकिन जैसे युधिष्ठिर महाराज बड़े से बड़े विपत्ति आ जाए स्थिर है। देखो हमारे वैष्णव कह रहे थे जब द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रही थी, भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रही है, कितने पति द्रौपदी के थे, कितने पति थे, कितने थे बोलो, पांच। और ऐसे पांच पांच पति थे ना, भीम जैसे बलवान दुनिया में कोई नहीं था गदा युद्ध में, अर्जुन जैसे गांडीव युद्ध में जगत में इतने बड़े कोई योद्धा नहीं थे, नकुल सहदेव जैसे तलवार युद्ध में, और भाला युद्ध में श्री युधिष्ठिर, मतलब एक से एक बढ़ करके युद्धा। उसी समय में ये पांच महारथी थे, अगर पांच महारथी रहते हुए अगर भरी सभा में उसकी पत्नी को ला करके उसको विवस्त्र करो, वस्त्र हरण करो, पति सह सकते हैं कभी? भरी सभा में उसको पत्नी को कोई विवस्त्र करे और इतने बलवान है कोई सहन कर सकते हो, कोई सहन नहीं कर सकते। जब दुशासन भरी सभा में ला करके उनको वस्त्र हरण करने के लिए कोशिश कर रहा था, भीमसेन का इतना क्रोध आया, उसने गदा लेकर के उन्होंने प्रतिज्ञा किया, भरी सभा में जिस जंघे को तू पीट रहे हो द्रौपदी को बैठाने के लिए, तेरे जंघे तोड़ दूंगा, जंघे जिस हाथ तूने वस्त्र पकड़े हाथ को उखाड़ दूंगा। भीमसेन इतने क्रोध आया, और अर्जुन जैसे व्यक्ति बाहु उसको कांप रहा था, लेकिन युधिष्ठिर सबको सांत्वना करके बैठा रहता, सबकी क्रोध आ रहा था नकुल, लेकिन एक युधिष्ठिर का क्रोध नहीं आ रहा था, वो सबको बैठा रहते। बोले देखो तो सही, बोले क्यों, क्या उनको क्या क्रोध नहीं आ रहा था, उनको क्या अपना भरी सभा में जिस पत्नी की वस्त्र हरण कर रहे हैं कि उसका क्या क्रोध नहीं आ रहा था। देखो कहते वो इतने प्रभु की शरण में शरणागति है, इतने शरणागति वो प्रभु की चरण में है, वो शरणागति को ये चीज दिखा रहे हैं। देखो बोले देखो यद्यपि कृष्ण हम सबको प्रेम करते हैं, सबको प्रेम करते हैं, पंचपांडव कृष्ण भक्त है ना, कृष्ण भक्त है, लेकिन सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं, बोले द्रौपदी को, द्रौपदी को जितना प्रेम करते हैं कृष्ण, और किसी को इतना प्रेम नहीं करते। और जो शरणागति में एक लक्षण है रक्षी सती इति विश्वास, भक्तों का पूर्ण विश्वास होता है भगवान के ऊपर, भगवान जरूर हमें रक्षा करेंगे, ठाकुर जी हमें जरूर रक्षा करेंगे। इसलिए युधिष्ठिर महाराज उनको सांत्वना दे के बैठा रहे थे, बोले क्यों चिंता कर रहे हो, क्या कृष्ण कहीं चले गए, क्या कृष्ण क्या कहीं चले गए, भगवान स्वयं कहते हैं कौतेह प्रतिजानी न मे भक्ता प्रेषति, भगवान अर्जुन को द्वारा प्रतिज्ञा कराते हैं तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं, स्वयं भगवान प्रतिज्ञा करवाते हैं, क्या भगवान के प्रति तुम्हारे विश्वास नहीं,
क्या विश्वास हट गया प्रभु का प्रति? देखो तो आगे क्या होता है, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? भगवान है ना, सचमुच से जिस समय वस्त्र हरण कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज का, पूर्ण शरणागति पूर्ण विश्वास कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे। द्रौपदी को अपना सखी कहते हैं, जरूर ये द्रौपदी को रक्षा करेंगे। जिस समय दुशासन वस्त्र हरण कर रहा था, इतने में द्रौपदी ने उन्होंने दोनों हाथ उठाते हुए बोले, हे गोविंद राख शरण अब जीवन हरी, हे कृष्ण हे गोविंद मैंने बहुत कोशिश की, पहले अपना पतियों को तरफ में मैंने देखा ये भी रक्षा नहीं किए, मैंने गुरु वर्ग का तरफ में देखा कोई रक्षा नहीं किए, मैं भी अपना कपड़े को पकड़ करके कोशिश की, मैं भी अपना को रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ, केवल रक्षा करने वाले तू ही हो। जब उन दोनों हाथ को उठा करके भगवान को बुलाए, कृष्ण स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, अरे जोर से बोलो, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, इस समय में भगवान स्वयं कृष्ण वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। 10,000 हाथी की भी दुशासन में जो शक्ति, 10,000 हाथी की ताकत समाप्त हो गया, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुई। दुनिया देख रहे थे साड़ी में कोई नारी बन गई ना, नारी को बीच में कोई साड़ी है, साड़ी क्या नारी को साड़ी बन गई, क्योंकि दुशासन साड़ी खेसते 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 वो खत्म नहीं हुआ था। लास्ट में दुशासन गिर पड़ा वहीं पर, हैं, गिर पड़ा पहाड़ को पहाड़, साड़ी की पहाड़ की पहाड़ हो गया। मतलब ऐसे लग रहा था द्रौपदी जैसे साड़ी खुद बन गई, नहीं तो साड़ी को बीच में कोई नारी आ गई है, हैं? इसलिए इतने विश्वास, इसलिए भक्तों का जो पहला लक्षण क्या है, तितिक्षव मतलब होता है सहन शक्ति। भक्तों के अंदर में सहन शक्ति रहनी चाहिए। हमारे श्री भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज था, एक समय क्या हुआ, दो भक्त में मंदिर में कभी लड़ाई हो गई, दोनों भक्त में लड़ाई हो गई, किसको नाम पर किसने चुगली कर दी, निंदा कर दी तो चुगली कर दिया, तो अभी वो चुगल गया गुरु जी के पास में, भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज के पास में वो चुगल गया, है कोई क्रिटिसाइजर किया है, किसने बोल दिया गुरुदेव उसी ब्रह्मचारी ने मेरे नाम पर चुगली किया है, बोल दिया उसने कर दिया, वो तो डर गया अभी गुरु जी मेरे को तो डांट लगाएंगे, अभी क्या होगा। इसलिए जब भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज उसको बुलाए, बोले तुमने उसका नाम पर चुगली किया, अभी तो डर गए, अभी क्या होगा। उसने क्या किया, उसने श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज उस समय थे ब्रह्मचारी थे, उनका नाम था श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी, उन्होंने सोचा क्या करे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोले महाराज मैंने नहीं किया, ये नरोत्तम दास है इन्हें कर दिया, वो भारती महाराज इनका नाम पर कर दिया। लेकिन जब उनको नाम पर कर दिया, लेकिन उन्होंने तो किया नहीं, लेकिन वो गुरु जी को सामने कह रहे हैं इन्होंने मेरे नाम पर इनका नाम पर चुगल उन्होंने कर दिया, लेकिन उन्होंने कुछ बोले नहीं, चुप हो गए, वो सुनकर चुप हो गए। जब चुप हो गए, लेकिन और एक ब्रह्मचारी को पता था नहीं चुगली उसने नहीं किया, चुगली इसने किया, उसका नाम पर क्रिटिसाइज इसने किया उसने नहीं किया। जब भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज चले गए, फिर हमारे नरोत्तम श्री भारती महाराज को पूछे, वो ब्रह्मचारी ने कहा गुरु जी को सामने तुम्हारे नाम पर उन्होंने दोष कर दिया लगा दिया, तुमने तो चुगल नहीं किया, चुगल तो उसने किया, फिर तुमने उनको गुरु जी को सामने तुमने स्वीकार कैसे कर लिया, कुछ बोला ही नहीं कैसे। बोले देखो अगर मेरे को उद्देश्य करके अगर एक ब्रह्मचारी बच जाता है, भले ही मेरे को अपमान हो जाए, गुरु जी नाराज हो गए, नाराज हो जाए, लेकिन अगर कोई दूसरा ब्रह्मचारी अगर बच जाते हैं उससे बढ़िया क्या हो सकता है। इसलिए मैंने तो कहा कोई बात नहीं, ये दोष मैं स्वयं ले लेता हूँ, ये दोष को मैं ले लेता हूँ, लेकिन एक दूसरे ब्रह्मचारी तो बच जाएगा, गुरुदेव तो डांट लगाएंगे नहीं, इसलिए मैंने जानबूझ करके ना मैंने गुरु जी के सामने कुछ नहीं किया, उसको दोष को मैंने ग्रहण कर लिया। इसलिए वैष्णव का जो पहला गुण है सहन शक्ति है, इसलिए उनको ऊपर में कुछ नहीं करने पर भी उन्होंने वो चीज को स्वीकार कर लिया करके, क्यों अगर दूसरे अगर बच जाता है बड़ी अच्छी चीज है, कहते इनको अंदर में ये सहन शक्ति थी। कहते एक समय क्या हुआ, मंदिर में जब बहुत सारे ब्रह्मचारी रहते थे,
कभी ब्रह्मचारी के अंदर में थोड़ी बहुत कभी कभी खटपट हो गई, खटपट हो गई तो ब्रह्मचारी ने कहा, किसने कहा मैं रसोई नहीं बनाऊंगा, किसने कहा मैं रसोई नहीं पूजा नहीं करूंगा, किसने कह दिया मैं सब्जी आमणिया नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। जब उन्होंने बोले तब भक्ति विज्ञान भारती महाराज बोले, ठीक है तुम लोग को कुछ भी करने का जरूरत नहीं, तुम लोग सबके सब बैठ जाओ, विश्राम करो, सारे सेवा में अगला कर लूंगा, सारे सेवा में अगला कर दूंगा। उन्होंने क्या किया, स्वयं मार्केटिंग के सब्जी लेकर के आए, स्वयं सब्जी अमणिया किया, रसोई किया, हर स्वयं ठाकुर को पूजा की, ठाकुर को सेवा की, सारे सेवा है ना, अकेले उन्होंने सारे सेवा को, उन्होंने अकेले ही सारे सेवा को निकल दिया, बोले तुम लोग सब विश्राम करो मैं अकेला कर लूंगा। फिर ब्रह्मचारियों ने देखा, देखो हम लोग ने कोई सेवा नहीं कर रहे, हम बैठे हुए हैं, देखो ये नरोत्तम दास हाँ अधिकारी स्वयं बाजार मार्केटिंग किया, सब्जी अमणिया रसोई भगवान को भोग लगाया, फिर हम लोगों को खाना खिला रहे, फिर खाने के बाद फिर उन्होंने क्या प्लेट को उन्होंने सबको जाला उन्होंने धो दिया, सब साफ सुथरा करके, फिर जितने ब्रह्मचारी थे ना, फिर तो उनको शर्मिंदा आ गया, फिर नहीं हम तो इनके चरण में दिन भर ये सेवा कर रहे, हम बैठ बैठ कर खा रहे हैं, हम बैठ बैठ कर प्रसाद सेवा कर रहे हैं, नहीं हम कहीं से नहीं करनी चाहिए। फिर दूसरे दिन से सारे ब्रह्मचारी, फिर उन्होंने सारे ब्रह्मचारी सारे सेवा में फिर ये लग गई है। कहते इनके अंदर में वैष्णवता भी थी। एक समय आप लोगों ने नाम सुने होंगे भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज, ये प्रभुपाद का आश्रित है, भक्ति वैभव श्री पुरी गोस्वामी महाराज। एक समय कपूर में इनके मंदिर में, इनके मंदिर में ये हो रही थी विग्रह प्रतिष्ठा हो रही थी। जब विग्रह प्रतिष्ठा हो रही थी उन्होंने सब वैष्णव को निमंत्रण दिया है, सारे वैष्णव को निमंत्रण दिया, आप लोग आओ आकर के यहाँ पर ठाकुर जी की विग्रह प्रतिष्ठा। उसमें श्रील भक्ति विज्ञान भारती महाराज भी गए थे और उसमें हमारी महाराज श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज ये भी वहाँ पर गए हुए थे, ये दोनों गए हुए थे। जब गए हुए थे इतने में तब भक्ति विज्ञान भारती महाराज उन्होंने हमारे भक्ति वेद नारायण गोस्वामी महाराज से पूछे, बोले महाराज जी आपका अभी क्या प्रोग्राम है, आप अभी कहाँ जाना चाहते हो? बोले मेरे मन में इच्छा है, पूरी जाने का इच्छा है, जगन्नाथ पूरी जाने का इच्छा है, हैं इच्छा तो है रथ यात्रा में जाऊं, लेकिन अभी सोच रहे हैं कहाँ पर रहूं मैं। उस समय में हमारे जो नीलाचल गौड़ी मठ है और जो चक्रतीर्थ जो मठ उस समय था नहीं है, पहले इनके मठ था, आप लोग पूरी गए होंगे, एकदम मेन जगन्नाथ रोड ऊपर में श्री चैतन्य गौड़ी मठ है, श्री चैतन्य गौड़ी मठ है, उस समय वो मठ था। बोले मेरे मन में इच्छा तो है वहाँ जाने की, लेकिन जाकर के मैं कहाँ पर रुकूं, पहले गौड़ी मठ में इतने रूम फूम इतना नहीं होता था, एकदम साधारण सीधा साधारण रूप में रहते थे, भजन करते थे। अभी भक्ति विज्ञान भारती महाराज ने क्या किया, बोले चिंता क्यों करते हो, हमारी मंदिर है ना, हमारी मठ है, आप हमारा मठ में रहना, चिंता मत क्या करो, मैं जिस रूम में रहता हूँ आप उसी रूम में आ भी रह जाना। इसलिए भक्ति विज्ञान भारती महाराज ने क्या किया, उन्होंने उनको टिकट था इन्हें टिकट बाद में था, उन्होंने क्या किया वो टिकट को रिजर्वेशन टिकट कैंसिल कर दिया और उन्होंने जनरल टिकट में उन्होंने टिकट बना दिया और टिकट बना करके महाराज आने से पहले उन्होंने आ गए पूरी, आ गए पूरी आकर के जिस रूम में वो स्वयं जिस रूम में रहते थे उन्होंने क्या किया वो रूम को अच्छे तरह से साफ कर दिया है, भारत में अच्छे तरह से साफ करके हमारे महाराज भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज उन्होंने वहीं पर उन्होंने रहने के लिए स्थान कर दिया और स्वयं उन्होंने दूसरे घर में चले गए। कहते ये वैष्णव लोगों का ये वैष्णवता है, जब कोई वैष्णव घर में आए हैं, जब कोई वैष्णव घर में आए, इसलिए शास्त्र ने बताया ना तीन तरह का वैष्णव होते हैं, एक कनिष्ठ एक मध्यम और एक उत्तम, तीन तरह का वैष्णव है। कहते कनिष्ठ वैष्णव किसको कहते हैं, बोले जो ठाकुर को सेवा पूजा में तो बड़ी रुचि है, ठाकुर को सेवा पूजा में बड़ी रुचि, लेकिन वैष्णव सेवा में कोई रुचि नहीं, वैष्णव सेवा में कोई रुचि नहीं, लेकिन ठाकुर का सेवा पूजा में बड़ी रुचि है, कभी कनिष्ठ है। बोले मध्यम कौन है, बोले मध्यम हुए हैं जितने भगवान को, जितने भगवान को पूजा सेवा में रुचि, उससे ज्यादा रुचि है वैष्णव सेवा में, क्योंकि भगवान को अभी हम सेवा पूजा करके खुश नहीं कर सकते, भगवान कहाँ रहते हैं, बोले वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, भगवान का जो निवास है वैष्णव का हृदय में, भगवान का निवास है। अगर हमारी सेवा में,
अगर कोई वैष्णव खुश हो गया तो समझ जाने चाहिए ठाकुर अपने आप खुश हो गए, भगवान अपने आप खुश हो गए। क्यों? भक्तों का हृदय में ही भगवान का निवास है। इसलिए इसलिए भक्त सेवा को श्रेष्ठ के रूप में भगवान सेवा से भी भक्त सेवा को श्रेष्ठता देनी चाहिए। इसलिए उन्होंने स्वयं अपना घर को उन्होंने महाराज के लिए दे दिया, बोले आप इसमें रहो और मैं साधारण जगह पर महाराज रहेंगे। ऐसे वैष्णव बता दो। एक समय श्रील भक्ति विज्ञान भारती महाराज वो आए मथुरा में आए, जब मथुरा यहाँ पर था हमारे महाराज गए थे वहां पर एक दिन वो मथुरा में, क्योंकि हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इसलिए मथुरा में बैठकर उन्होंने निर्माण किया, जब कोई व्यक्ति पहले वृंदावन आएगा रेलवे स्टेशन कहाँ पर मथुरा, सारे रेलवे स्टेशन उनको मथुरा आना ही पड़ेगा। अगर मथुरा आना पड़ेगा तो मथुरा रुकेंगे, पहले वृंदावन में इतने गौड़ीय मठ था नहीं, इसलिए पहले कोई भी वैष्णव आते थे प्रभुपाद का जो गण सबके सब श्री केशव जी गौड़ीय मठ में जाते थे, देखो कि नहीं केशव जी गौड़ीय मठ में जाते थे वहीं पर रुकते थे। इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी इसलिए मठ को रखे और देखा यहीं से प्रचार सब जगह में यहीं से प्रचार प्रसार हो सकता है। अब इसलिए भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज आए, जब भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज आए अभी भारती महाराज और हमारे नारायण गोस्वामी महाराज बैठ करके प्रसाद पा रहे थे, प्रसाद पाते समय ठीक उसको बीच में श्रील प्रभुपाद का भक्ति सिद्धार्थ श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का कोई शिष्य आ गए। जब शिष्य आ गए भोजन कर रहे थे प्रसाद पा रहे थे, अगर हम भी खाना खा रहे अगर कोई आ जाए पहले बैठ जाए पहले तो खाना खा ले पहले तो खाना खा ले आ जाए बैठ जाए, कह नहीं नियम है अगर कहीं ठाकुर को पूजा कर रहे हो अगर कोई वैष्णव आ जाए ना पूजा को वहीं पर रख लो। इसलिए श्री इंद्रदुम्न महाराज वो हाथी क्यों बने, भागवत में जो गजब हाथी क्यों बने, अगस्त ऋषि आए तो बोले आए बैठ जाएंगे ठाकुर जी से थोड़ी पड़े हैं, अरे तुम्हें ठाकुर को पूजा सेवा कर रहा हूँ ना, जब पूजा सेवा हो जाऊंगा इनका आदर करूंगा। अगस्त ऋषि ने देखा कहते भजन तो कर रहे हो लगता है किसी शुभ वैष्णवी के अनुगत्य में तुमने भजन नहीं सीखा, कोई जब वैष्णव कोई आए पहले वैष्णव सेवा फिर भगवान की पूजा, तुमने किसी सदगुरु की आश्रय से सद वैष्णव का अनुगत्य में तुमने भजन सीखा नहीं, जा तो हाथी बन जा। हाथी कैसे चलता है डॉट के यार, हाथी ऐसे चलता है ना डॉट के यार, इसलिए बोले तुम्हारी व्यवहार हाथी जैसे तुम हाथी बन करके रहो। लेकिन पूजा किसका कर रहे थे, सालग्राम की, लेकिन भगवान नहीं बचाए, भगवान को नहीं बचाया, क्यों साधु को उन्होंने अनादर किया, उनको हाथी बनना पड़ा, हाथी बनना पड़ा। इसलिए जिस समय प्रभुपाद का कोई शिष्य आ गए तो हमारे जो महाराज भक्ति बदन नारायण गोस्वामी महाराज प्रसाद पा रहे थे साथ, उन्होंने प्रसाद को बंद कर दिया, प्रसाद बंद करके उन्होंने क्या किया उनको जो प्रभुपाद का शिष्य आए थे उनको रूम दिया, फिर उनको तेल दिया, उनको गए स्नान कराने के लिए, स्नान करो हम वैष्णव आ गए ना इसलिए स्नान करो, स्नान जब उनको हो गया फिर जा करके उनको जहाँ प्रसाद पा रहे थे फिर प्रसाद लेकर उनको प्रसाद दिए। लेकिन हमारे भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज अगर हम दोनों खाना कर रहे अगर कोई एक घंटा के लिए कोई चली गई यहीं से हम क्या करेंगे, वो चला गया पहले तो खुद खा लो हम क्या लेंगे, पहले तो खुद खा लो, गए कोई बात नहीं हम वो तो गए हम थोड़ी उनके लिए इंतजार करेंगे, पहले तो हम खा ले पहले तो हम ही पहले खा लेना फिर। लेकिन उन्होंने भोजन नहीं किया, उन्होंने एक घंटा को बाद में हमारे महाराज जी एक घंटा बाद में आए, लेकिन बाद में आने वाले भी लेकिन भारती महाराज ने वहाँ बैठ रहे भोजन नहीं किया, क्योंकि एक तो प्रभुपाद का गण आ गए फिर महाराज जी प्रसाद पा रहे, तुमने प्रसाद को वहीं पर स्टॉप किए, फिर जब महाराज जी आए फिर दोनों बैठे करके उन्होंने फिर उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया। पर ये जो वैष्णव का जो आदर्श है ये जो आदर्श को हम अपना जीवन में उतारनी चाहिए, अपना वैष्णव को आदर्श को हमें उतारनी चाहिए। ऐसे नहीं कहीं नहीं हमारे गुरु ही सब कुछ और कोई नहीं, नहीं कहते हरि गुरु वैष्णव है। इसलिए महाराज कहते थे गुरु तत्व में कोई फर्क नहीं, गुरु महाराज समझाया करते थे आपका गुरु और मेरे गुरु दोनों तो गुरु है ना, जो दोनों गुरु है तो दूसरे के लिए दोनों ही तो गुरु बन चाहिए, मेरे गुरु मेरे लिए गुरु है लेकिन दूसरा का गुरु क्या मेरे लिए गुरु नहीं है, समझ रहे हो ना। जैसे इनका गुरु भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज,
मेरे गुरुदेव भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज मेरे गुरुदेव हैं। मेरे लिए इनका गुरुदेव कौन हुए? वैष्णव हुए। मेरे गुरुदेव इनके लिए क्या हुए? वैष्णव हुए। क्या केवल मेरे गुरु है गुरु इनका गुरु गुरु नहीं है? बताओ, क्या मेरे गुरु इनका गुरु गुरुदेव नहीं है? गुरु है। इसलिए महाराज एक दिन समझा रहे थे भक्तवृंद नारायण गोस्वामी महाराज, दूसरा वैष्णव भी हमारे लिए गुरु है। अगर कोई बोलता नहीं गुरु गुरु नहीं, फिर तो सेवक भोगी हो गया, अपना चेला को भोग करना चाहते हो, गुरु नहीं है। महाराज बोलते तो हो गया गुरु, शिष्य भोगी हो गया, वो शिष्य त्याग ही नहीं, वो गुरु गुरु कहने का लायक है ही नहीं। जो कहता है कि बोले गुरु को सेवा कर, गुरु सेवा कर, नहीं, हरि गुरु वैष्णव, ये तीनों को ही हमें लेकर के, तीनों को ही लेकर चलना पड़ेगा, तीनों को ही लेकर चलना पड़ेगा, तभी तो हमारी कल्याण हो सकती है, नहीं तो हमारी कल्याण नहीं हो सकती है। इसलिए भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज जिन्होंने अपना जीवन में ये सब चीज को उन्होंने आदर्श रूप में रख करके गए हैं। इसलिए कहते भारती महाराज जी जगन्नाथपुरी कौन कौन गए? जगन्नाथपुरी कौन कौन गए? सब गए ना। आप लोगों ने देखे होंगे श्री चैतन्य गौड़ी मठ, देखे हो, जहाँ पर प्रभुपाद जी, जहाँ पर प्रभुपाद जन्म लिए थे, वो जो मंदिर है ना, जितने चैतन्य गौड़ी मठ का बहुत सारे मंदिर है। कहते भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने उनकी मठ है उनका बहुत एक्सपीरियंस है, उनकी बहुत एक्सपीरियंस था मठ कैसे बननी चाहिए, उनकी मुख किधर हो, गुरु जी का स्थान कहाँ पर हो, ठाकुर जी कहाँ पर रहे हैं, कहाँ पर बैठे, उनको इसी विषय पर बहुत अच्छे ज्ञान, बहुत अच्छी ज्ञान। इसलिए जितने इनकी मंदिर है, जितने सब मंदिर को किसने बनाए? भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज ने सारे मंदिर को सब उन्होंने बनाए, सारे मंदिर को उन्होंने बनाए करते थे। और उसी समय उनकी मठ का जो आचार्य थे भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज थे, उनका जो बड़े गुरु भाई हैं भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज थे। इसलिए जब भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के पास में कोई कथा सुनने के लिए आते थे, जब आए वो क्या करते थे, जितने हो सकता था उनको कथा सुनाते थे, लेकिन जब कोई क्रिटिकल और कोई प्रश्न करते थे वो बोलते थे जाओ तुम भक्ति विज्ञान भारती महाराज के पास में जाओ, उनको पास में जाओ, उनको पास में जा करके सारे प्रश्न का समाधान उनको पास में करो। इसलिए भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, क्योंकि जो दोनों गुरु भाई है ना, दोनों जो थे वो मठ का आचार्य बनने का दोनों लायक थे, इसलिए इनको भी पहले बताए थे आचार्य बनने के लिए, इनको बोले थे तुम आचार्य बनो, तब लास्ट में बोले देखो एक काम कर लो तीन चार आचार्य बन जाओ, हाँ तीन चार, क्योंकि भक्ति देवता माधव महाराज की बहुत बहुत बड़े बड़े शिष्य थे वहाँ पर, एक महाराज थे मेरी याद नहीं आ रही, ऐसे ऐसे बहुत महाराज थे जो कि अच्छे बड़े अच्छे ज्ञानी लोग थे। भक्ति विज्ञान भारती महाराज, भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज, ये दोनों बड़े योग्यता संपन्न थे, इनको भी बोले आप आचार्य का काम करो, आप तो इतने बड़े, बोले नहीं हम चाहते भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज के आचार्य बने, इन्हीं के अनुगत्य में हम सबके सब सेवा करेंगे, इनकी अनुगत्य में हम सेवा करेंगे। इसलिए जीवन भर उन्होंने संपूर्ण एक आचार्य का गुण रहते हुए भी इन्होंने संपूर्ण रूप में इन्होंने क्या किया, उन्होंने श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की अनुगत्य में रह करके जिंदगी भर उन्होंने इनकी सेवा किया। और लास्ट में जब किसी कारण से महाराज आ गए, फिर उन्होंने अपना शिष्य बनाया, उसको पहले महाराज जी उन्होंने अपना शिष्य कभी बनाया नहीं, पहले कभी उन्होंने शिष्य नहीं बनाया, बाद में उन्होंने लास्ट उम्र में उन्होंने कुछ शिष्यों को उन्होंने स्वीकार किया, क्यों, भक्ति देवता माधव महाराज बोल कर गए थे तुम भी प्रचार करके शिष्य बनना, लेकिन जब भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज ऐसे स्थिति में आ गए, पूरा समाज स्थिति में, अभी महाराज जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, एकदम महाराज चुपचाप लास्ट उम्र में समाधि उम्र में चले गए, फिर श्री भक्ति विज्ञान भारती महाराज फिर उन्होंने अपना शिष्यों को उन्होंने स्वीकार करना शुरू किया है। इसलिए कल उनका तिरुभाव गिरता, इसलिए महाराज जी जब हॉस्पिटल में भर्ती थे, अप्रकट से दो चार दिन पहले मैं माधव महाराज शांत महाराज हम हॉस्पिटल में गए थे महाराज से मिलने के लिए, कब दो तीन दिन पहले हम गए थे, जब मैं कथा कर रहा था तब वो हॉस्पिटल में गए थे, जब गए तब महाराज से मिले, मैंने कहा महाराज जी आप कैसे हैं,
बोले आप कैसे हो महाराज से, बोले हम तो बड़े दुख में हो महाराज। मैंने कहा महाराज जी आपका क्या दुख है, देखो संतों का वाणी क्या है। बोले मैं बड़े दुखी हूँ। बोले महाराज, बोले क्या महाराज दुखी है। बोले इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरे को पता नहीं है हॉस्पिटल में क्यों ले आए। महाराज जी बोल रहे थे वो बीमारी में थे, उनको हॉस्पिटल में लेकर गए। और बोले पता नहीं मेरे को हॉस्पिटल में क्यों ले आए, मैं तो मंदिर में रहता था, वहां पर वैष्णव लोगों का दर्शन होता था, हरि कथा होता था, कीर्तन होता था, वो कीर्तन सुनता था, हरि कथा सुनता था, हरि कथा बोलता था, पता नहीं मेरे को ये हॉस्पिटल में क्यों लेके गया। मतलब ऐसा स्थिति था, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। और जो साधुओं का जो जीवन है, साधुओं का जो चरित्र, कितने महान चरित्र दिखा रहे हैं, इसी अवस्था में भी कह रहे हैं, मतलब उनका भजन करते 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 इनकी कण कण में, वैष्णव का कण कण में बैठ जाता है। भजन हरि कथा ही जीवन का सार है, और जीवन का कुछ भी जीवन का सार नहीं। इसलिए कल बताइए हॉस्पिटल में क्यों है, मैं तो बड़े दुखी है, पैसा ही हॉस्पिटल में क्यों, ये सब लोग को देखना पड़ता है, सब बीमार लोगों को, और यहाँ पर नर्स और डॉक्टर को देखना पड़ता। मंदिर में कहाँ वैष्णव का दर्शन होता था, हरि कथा हरि कीर्तन सुनते थे। मतलब वैष्णव का जो दुख क्या है, जब उनको हरि कथा से वैष्णव का दर्शन से जब अलग कर दो, ये इनका जीवन का दुख है। इसलिए इन लोगों का जीवन में बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षा है, बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षा है, लोग सब देख रहे गए। इसलिए कल का दिन श्रीला महाराज का प्रभाव दिखता, हम सबके सब महाराज को प्रणाम करते हैं। जैसे सारा जीवन उन्होंने गुरु वैष्णव और भगवान हैं, गुरु वैष्णव और भगवान, जैसे सारा जीवन उनकी सेवा करते करते जैसे इनका जीवन बीत गया, हमारा जीवन भी ऐसे भगवान की सेवा करते करते, गुरु वैष्णव की सेवा करते करते अगर हमारे जीवन बीत जाए ना, समझो हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है, श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जोर से वैष्णव का जय। श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की तदीय तिरुभाव महामहोत्सव की हिताई गौर प्रेमानंद हरि। तुम थोड़ी सी बोल दो। नहीं नहीं नहीं, टाइम हो गया, कल तो दम कोई बात, कल 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 दो 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 महाराज कल कल भी बोल दे। नहीं नहीं दो बोल दे, क्या बोलेंगे आप, जो बोल दो थोड़ी सी कुछ। ओम ज्ञानदिग्रह शरीराजाश्लाघ्य चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चकपितृभ्यश्च कृपासिन्धुर्भ्यो च पतितना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीद्वैतवृन्दार श्रीसाई गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। फर्स्ट ऑफ ऑल पेइंग माय तुलस प्रणाम to my beloved Param Gurudeva, Nityananda Vishnupada, Satrasata Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, and his dear disciple, who is present here, O Vishnupada, Satrasata Srila Bhaktivedanta Srila Maharaj, and to my beloved Gurudeva, O Vishnupada, Satrasata Srila Bhaktivedanta Banmaraj, to all the Gurus in our Rupanu Guru line, to all the Vaishnavas, Vaishnavis, to all the respected guests. So today we have heard wonderful Harikatha, Bhaktivedanta Sridhar Maharaj, who is very merciful, explained the glories of Krishna's Leela, and but most important, the glories of the Vaishnavas. So today we have got so many sikshas, also for myself. What is actually the quality we have to adopt in our life? So Maharaj quoted a very nice verse. Tatiksha Karunaka Suyatam Sarvadehinam Ajat Shatra Shakti Sarva Sarva Bhushanam. So he's explaining here that these six qualities, like a garland, like we have a garland, we have to carry these six qualities in our life. And the most important is how to have very, be tolerant in different ways. So this qualities of Vaishnavas, merciful, and Sridhar Sarvad Bhutanam, he's very well wishing of everyone. And because he doesn't got any enemy, he is shant, he is very peaceful. So this quality we always see in every Vaishnava. Every Vaishnava in our line,
when we study the biography and their behavior, every Vaishnava has got this quality. And that is so wonderful to see. It's so much inspiring. How many obstacles are coming in our life. And not only because we are a conditioned soul, but also if you are a Mahabhagavat, like Bhaktivinoda, like Goswami Maharaj, when he was preaching, so many obstacles came in his life. So many problems came. But although that, these qualities were always present. And this is actually our inspiration. Inspiration to become like that. It is not easy. It is not easy to... because you cannot... Actually, Tira Api Suni Chena, Tara Api Suni Chena, Amari Mari Nera, Kintanya Sada Hari. That is actually the key. If you want to chant the holy name with totally surrenderness, then we have to have these qualities in our heart. But this quality cannot be artificial. It has to be there in very natural, in a very natural way. Natural way. So the thing is how to get this, because it is not easy. We can say I am Trina Apishinita, but something happened, then we have to see how our ahankar is coming. Right? If somebody is blessing me, someone or ourselves, then so many ahankar is coming. Okay? But all the time you are saying, oh, I'm very humble. Yeah, we are doing humbleness. But when the time comes, we can see how much, ego and everything is coming. So the question arises, how we can become very humble in a very natural way? That is the question. So, in this topic, our acharya is giving many classes. So one of the most important class, the siksha what is giving, is that when we associate with the bona fide Vaishnavas, who's got this humbleness very in a natural way, yeah, when we hear from this kind of qualified Vaishnavas, automatically according to our surrenderness, because that is not only hearing, according to our surrenderness to their lotus feet, surrenders to their words, and surrenders to their siksha, we can adopt this quality. We have to get this quality from them. Because otherwise, when the mercy is not there of the Vaishnavas, we cannot get. Because this mercy, this kind of attitude is actually divine. It's divine. It is situated in a spiritual atmosphere. Okay? So we have to get this quality from this Vaishnavas. So that is the main actually key to get this humbleness. How we serve the Vaishnava, and according to the Vaishnava is pleased by the service, automatically it is granted to us. So the second question arises, and that is very also important, that when we are humble, we see also in Acharya or Acharya Leela, sometimes Acharya like Ukso Bhaktivinoda Narayana Goswami Maharaj, if you have associated with him, sometimes he was also very crude, he was very angry. Right? Then you think, how can it be? Mahabhagavat, I see I'm learning that we have to be always humble, and I'm seeing that he is very fierce, and sometimes he was slapping and everything. Maharaj knows everything about this. So when we are neophyte, we thinking, oh, that is not good. That is not what we actually are teaching, because everything has to be peaceful, and he is our big guru, teacher. How can he cannot be like that? So, how we can reconcile this then? So that's the question. First of all, this angerness can come in a Vaishnava, not for themselves. If the anger is coming because someone is blessing him, then he's tolerating this. But if someone is blessing other devotees or Thakurji or someone else, then this crowd is coming. Then this crowd is there. Like Hanuman. Hanuman was Prema Bhakta. Yeah? Prema Bhakta. Such a
high class devotee he is. But you know, Hanuman was also very cruel. Cruel was there, angerness was there. He burned Lanka totally. Why? He was not Trinapisunichita. Yes, he was Trinapisunichita. But still, when he saw that someone has blessed his Lord, his Prabhu, or the devotees, then he cannot tolerate this. So in this way, we see the Mahabhagavats also, when something is not going according to Guru, Hari Guru's Vaishnava, Seva, some obstacles are there, then he is acting like that. But this acting is very merciful. We cannot also imitate this also, because we have to see also that are we qualified? Because through their angerness, there is also mercy. But do we have the qualification to give this mercy also to this person? So that's why, also when Maharaj quoted this, it's also teaching, not only thinking, I'm sitting here and thinking, oh, this is good for you, I'm hearing it for myself. And I hope, I pray that this quality of the Vaishnavas someday will come truly in my heart. But I know I cannot do that without Vaishnava Seva. So this is the key for me and a key for us all. We always engage in Vaishnava Seva. Always please Hari Guru Vaishnava. And by doing this, somehow Krishna, Hari Guru Vaishnava will see our sincereness and grant us these six qualities. I'm thanking you for this. I'm not going to speak too much. Hare Krishna.